हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दुबई के बारे में, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें। तो ये मेरा नया चैनल है। ऑलरेडी मेरे पुराने चैनल को किसी हैकर ने हैक कर लिया था और इसलिए मुझे दोबारा से अपना नया चैनल स्टार्ट करना पड़ रहा है और दोबारा से अपने सब्सक्राइबर मुझे कवर करने पड़ेंगे। सो प्लीज आप लोग जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ट्रैवल विद जतिन के साथ बने रहने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आज आपको जान के हैरानगी होगी, दुबई की कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दुबई के बारे में आप जानते होंगे, दुबई एक शेखों का देश है और दुनिया की बहुत अमीर कंट्रियों में इसका नाम है। दुबई को यूएई के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट। दुबई का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि दुबई एक अमीरों का देश है। बिल्कुल है, पर आज से 1960 से पहले जब तक दुबई में पेट्रोल नहीं पाया गया था, दुबई एक रेगिस्तान में बदला हुआ था। 1960 में यहाँ पेट्रोल मिला, उसके बाद से दुबई की हालत बदल गई। दोस्तों आप देखते होंगे दुबई के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पर आपको जानकर यह हैरानगी होगी कि 1990 में दुबई में सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी जिसको दुबई ट्रेड सेंटर कहते थे, पर आज की डेट में यहाँ पे 156 से ज्यादा बिल्डिंगें आपको नजर आएंगी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुबई की पॉपुलेशन में टोटल 15% ही दुबई के लोग हैं, 50% इंडियन और 35% वो लोग हैं जो कि अन्य कंट्रियों से लगते हैं। दुनिया में लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, दुबई एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे शेर चीते पाले जाते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि हर जगह वीकेंड सैटरडे संडे होता है, दुबई में वीकेंड फ्राइडे सैटरडे मनाया जाता है। आपने डिज्नी आइलैंड के बारे में सुना होगा, बहुत जल्द दुबई में भी दुबई आइलैंड बनकर तैयार होने वाला है जो कि डिज्नी आइलैंड का 2 गुना होगा, जो कि 2020 तक बनकर तैयार हो चुका होगा। दुबई को गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। दुबई में 2013 में 396 हाथियों जितना गोल्ड दुबई की दुकानों में रिकॉर्ड के तौर पर पाया गया था। दुबई एक ऐसा देश है यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े मॉल पाए जाते हैं। दुबई के एक ऐसे मॉल में जिसको दुबई मॉल के नाम से जाना जाता है, उसमें 1200 से ज्यादा स्टोर्स हैं। तो आपने देखा होगा कि एटीएम से पैसा निकलता है। दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पे एटीएम से गोल्ड भी निकलता है, यहाँ गोल्ड के एटीएम भी हैं। दुबई के अंदर क्राइम रेट 0 है और यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी नहीं मिलता। अगर आपको गलती से कभी ट्रैफिक जाम मिले तो आप समझ जाना कि इस वक्त इम्पोर्टेड गाड़ियों का कारवा लगा होगा सड़क पे। तो आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि 18 महीने में दुबई के अंदर मेट्रो का काम निपट गया था, जो कि 42 स्टेशन जिसमें तैयार किए गए थे। अभी तक आपने सुना होगा कि हर जगह एसी होते हैं, मॉल में एसी होते हैं, घरों में एसी होते हैं। दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पे बस स्टैंड पे भी एसी मिलेगा आपको। दुबई एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे 7-स्टार होटल है जिसका नाम है बुर्ज अरब, जिसकी ऊंचाई 1053 फीट है और अभी तक का सबसे महंगा किराया 13 लाख रुपए एक नाइट का इसी होटल का है। बात करेंगे दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, जो कि 2010 में बनकर तैयार हो गई थी, जिसकी कुल ऊंचाई है 828 मीटर। इसको बनने में 6 साल लगे थे और इसको बनाने में 12,000 वर्कर्स का मेहनताना लगा था। इस बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आपको 90 किलोमीटर की दूरी से भी ये बिल्डिंग साफ क्लियर नजर आएगी। आपको जान के हैरानगी होगी कि जिस टाइम पे रोजे रखे जाते हैं, उस टाइम पे जो लोग दुबई बुर्ज खलीफा में रहते हैं, नीचे रहते लोगों को चांद 2 मिनट लेट नजर आता है, बल्कि जो 80वें मंजिल फ्लोर पे रहते हैं उनको 2 मिनट पहले नजर आता है। दुबई ने एक गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी अपना नाम लिखवाया हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी गोल्ड चैन, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है और जिसका वजन 22 किलो से ज्यादा है, वो दुबई के अंदर बना के तैयार की गई थी, जिसको खरीदने के लिए 9,600 लोगों ने अपना योगदान किया था। दुबई में कोई टैक्स नहीं है, यहाँ इंसानों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता अपनी इनकम के ऊपर। लोग सोचते हैं कि दुबई जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब क्या होगा। आपको जान के ये हैरानगी होगी कि दुबई की इनकम का सिर्फ 6% ही पैसा सिर्फ पेट्रोल से आता है, बाकी की इनकम दुबई की टूरिज्म और रियल एस्टेट से होती है। और दोस्तों रियल एस्टेट का काम इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि पूरी दुनिया में जितनी कंस्ट्रक्शन क्रेन यूज होती है उसकी 24% आपको अकेली दुबई में ही मिलेंगी। दुबई का ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा चाइना है, दूसरा इंडिया है, तीसरा अमेरिका है। दोस्तों दुबई का प्लाम आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि आपको स्पेस से भी नजर आता है। दुबई में टोटल 15,000 ही पुलिस वाले काम करते हैं। आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि डीएनए और फिंगर स्कैनिंग का जो इन्वेंशन है वो भी दुबई ने किया था। जीपीआरएस और सीसीटीवी का इन्वेंशन भी दुबई ने किया था और बहुत जल्द 2030 तक पुलिस रोबोट भी
दुबई में आपको जल्दी नजर आएंगे। तो दुबई के रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे टूरिस्ट हो, यहाँ का वहाँ का रहने वाला लोकल आदमी हो, सबके लिए लॉ बराबर है। अगर आप दुबई में जाने के बाद इस्लाम के बारे में कुछ गलत बात करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। दुबई में खुले में एक लड़की का हाथ पकड़ के घूमना और खुले में उसको किस करना यहाँ के कानून के खिलाफ है। यहाँ पे आप किसी की भी फोटो नहीं खींच सकते, खासकर किसी लड़की की और यहाँ की लोकल पुलिस की। आपको जान के हैरानगी होगी कि यहाँ पे दारू पीना सख्त मना है। आपको घर पे भी दारू पीने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो दुबई में होमोसेक्स बैन है। दुबई में ओपनली ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन के घूमना भी बैन है। आपको जान के हैरानगी होगी कि दुबई के अंदर ना कोई पिन कोड नंबर होता है, ना कोई गली नंबर होता है, ना कोई घर का नंबर होता है, या किसी तरह का कोई एड्रेस इस्तेमाल नहीं होता। तो आपको जान के हैरानगी होगी कि दुबई एक लौता ऐसा देश है जिसकी पुलिस के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं जैसे कि लंबोर्गिनी, फरारी, क्योंकि वो इजीली चोरों को पकड़ सके। तो उन्होंने पूरी दुबई के अंदर ऐसा वायरलेस सिस्टम बना रखा है कि वो इजीली कहीं से भी लोगों को ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये सब बातें थी दुबई के बारे में। अब अगर आप दुबई घूमने जाना चाहते हैं तो दुबई की अट्रैक्शन भी जान लीजिए। तो दुबई में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, जैसे कि वहाँ पे डेजर्ट सफारी है जो कि आपको जरूर जाना चाहिए। डो क्रूज है जो कि रात को आपको समुन्द्र के ऊपर डिनर कराया जाएगा। अटलांटिस प्लाम है जहाँ आपको विजिट जरूर करनी चाहिए। दुबई शॉपिंग मॉल है, दुबई गोल्ड मार्केट है, दुबई एक्वेरियम है, फरारी वर्ल्ड है जो कि अबू धाबी में है, दुबई शॉपिंग मॉल है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको देखने के लिए दुबई जरूर जाना चाहिए। दुबई जाने के लिए आपको दुबई के लिए वीजा चाहिए जो कि आपको इंडिया से मिलेगा। ये वीजा ऑन अराइवल नहीं है। हम चाहेंगे कि आप दुबई जरूर घूमने जाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, आप नीचे दे सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है ट्रैवल विद जतिन और सेम नाम से मैं टिकटॉक पे भी हूँ। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। AM हॉलीडे मेरी ट्रैवल कंपनी है दोस्तों। ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो आप कमेंट के थ्रू बात कर सकते हो, और किसी कंट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।